सो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अपने घर पे ठीक होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है फॉर ऑल दोस हु हैव रेनो क्विड 2015, 2016 एंड 2007 मॉडल, क्योंकि इस मॉडल में आज जो टच स्क्रीन आती थी उसका जो वर्जन था वो क्लासिक वर्जन था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको अंदर जाके ही दिखाता हूँ। दिस इज टच स्क्रीन फ्रॉम LG इन रेनो, इसे मीडिया नेब बोलते हैं रेनो वाले। एंड ये 7 इंच की टच स्क्रीन है जिसमें आपको क्लासिक वर्जन मिलता है, जो पूरा का पूरा UI है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ये कुछ ऐसा UI है। आप लोगों को पता होगा आपकी क्विड में कैसा है। ये 4 समथिंग है, 4.0.5 मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। या 4.0.7 मतलब 4.0.7 है ये। एंड आज मैं इसे अपडेट करूँगा 7.0.5, जिसे एवोल्यूशन भी बोलते हैं। एवोल्यूशन वाला जो UI है, जो लेटेस्ट UI आया था बेसिकली न्यू क्विड में, ट्राइबर में, यही वाला UI अभी चल रहा है। तो आज हम इसे उस UI में अपडेट करेंगे। एंड अपडेट कैसे करेंगे वो मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। एंड आप भी इजीली अपने घर पे ही बैठ के कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें एंड एंजॉय कीजिए। तो गाइस, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि गूगल क्रोम खोलना है। एंड गूगल क्रोम पे ये वेबसाइट है मीडिया फायर, यहाँ पे ये वाली फाइल है जिसे आपको डाउनलोड करना है। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप सिंपल डाउनलोड करेंगे। अब मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज़ डाउनलोड हुई पड़ी है ऑलरेडी। आपको इसे करना है ओपन इन फोल्डर, शो इन फोल्डर, यहाँ से आपने ओपन करा, देन आपको ये चीज़ यहाँ पे शो होगी। एंड आपको यहाँ पे क्या गाइस, यू कैन सी अपग्रेड _705MD। तो ये बेसिकली वर्जन है 7.0.5, एवोल्यूशन वाला वर्जन है ये, जो लेटेस्ट स्पीड में चल रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से फ्री आर्क पे या कोई भी जिप फाइल है आपने सिंपली इसे एक्सट्रैक्ट करना है। चाहे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए, चाहे एक्सट्रैक्ट टू अपग्रेड, मतलब एक नया फोल्डर बन जाएगा। तो बेसिकली मैं इसे यहाँ पे जैसे टच कर रहा हूँ तो ऑलरेडी, क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, अपडेट ऑल या कुछ भी, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि मैं एक बार ही ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। यहाँ पे एज यू कैन सी ये फोल्डर बना हुआ है। तो अभी क्या होगा, मैं इसको ओपन करूँगा। एंड यहाँ पे जो फाइल है, दिस इज द मेन फाइल upgrade.lgu, इसको आपने कुछ नहीं करना है, सीधा राइट क्लिक करना है एंड सेंड टू USB ड्राइव, यानी कि जो इधर पेन ड्राइव लगी हुई है आपकी, जो इधर पेन ड्राइव लगी हुई है, इस पेन ड्राइव के अंदर आपने सीधा सेंड करना है। तो सेंड करने के बाद ये पेन ड्राइव में कुछ ऐसा दिखेगा। एंड एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पेन ड्राइव है ये आपकी पूरी फॉर्मेट करनी है पहले आपको, मतलब बिल्कुल एम्प्टी होनी चाहिए, इसमें और कुछ भी ना हो। कोई भी अगर मीडिया डिवाइस भी होगा ना तो ये काम नहीं करेगा। तो अब आपने देखा कि मैंने पेन ड्राइव में इसे डाल दिया। एंड दिस इज ओनली गाइस। अब मैं क्या करूँगा, पेन ड्राइव को यहाँ से रिमूव करूँगा एंड हमें कार में जाके लगाना है। तो गाइस, जैसा मैंने पहले आपको दिखाया था, ये आपकी टच स्क्रीन है। एंड शुरू में थोड़ा लैग करती है ऑन होने के बाद। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पेन ड्राइव मैंने डाल दी एंड थोड़ी देर आपको वेट करना है। एज यू कैन सी कि पहले वाला सॉफ्टवेयर वर्जन जो ऑलरेडी मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था 4.0.7, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो गया 7.0.5 वाला, यानी कि लेटेस्ट वाला। मैं इसे अपडेट पे क्लिक करूँगा एंड अपडेट इन प्रोग्रेस, डू नॉट डिस्कनेक्ट दी USB और टर्न ऑफ द इंजन। अगर इंजन आप बंद कर देंगे बीच में तो आपका पूरा स्क्रीन बंद हो जाएगा। एंड सच कह रहा हूँ दोस्तों, फिर आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा उसे खुलवाने के लिए। तो बेटर है कि आप थोड़ा वेट करिए। तो अभी मैं यहाँ पे वेट करता हूँ एंड मैं नीचे लिख दूंगा कि कितना टाइम इस चीज़ को लगा टोटल। तो गाइस, अभी भी लोडिंग पूरी हुई है एंड ये अपने आप रीबूट हो रहा है। एंड मे बी एक बार और अपडेट हो, आई डोंट नो, मैं अभी पहली बार ही कर रहा हूँ। एंड बट गारंटी रहता हूँ, अगर आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपका चलेगा एंड एक नया UI आ जाएगा। यार 5 साल से गाड़ी एक जैसी थी। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे लैंग्वेज क्या लिखी है, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू के अंदर, मे बी कि डू नॉट टर्न ऑफ योर इंजन
एंड डू नॉट रिमूव यूएसबी डिवाइस। तो बिल्कुल हम रिमूव नहीं करेंगे एंड वेट करेंगे थोड़ा सा। हाँ तो बेसिकली मैं साथ साथ आपको बता भी देता हूँ कि एक रेडियो कोड नाम से कोड होता है हर गाड़ी का। अगर आपके पास क्विड है पुरानी वाली, तो आई थिंक एक आध बार तो आपकी बैटरी चेंज हुई होगी 2015-2016 की। अगर क्विड है आपके पास, तो बैटरी चेंज के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब बैटरी डेड हो जाती है तो एक कोड या टच स्क्रीन मांगती है, जो सर्विस सेंटर वाले एक कोड होता है, वो हर क्विड का अपना ही एक बेसिक कोड है। तो मेरी क्विड के लिए वो कोड मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने सर्विस सेंटर से वो मांग लिया था पहले। आप लोग भी फ़ोन करके वो मांग सकते हैं, मतलब आप उन्हें कॉल कीजिए कि हमें वो रेडियो कोड बता दो हमारी गाड़ी का, हमारी बैटरी डेड हो गई थी तो हमें टच स्क्रीन नहीं चल रही। तो फॉर माय कार डेड कोड ये सभी मैं यहाँ पे भरूँगा। मे बी ये पूछेगा, मुझे पक्का नहीं पता कि ये पूछेगा कि नहीं। मैंने नेट पे काफ़ी रिसर्च करा तब जाके मुझे ये पता लगा कि हम ऐसे अपडेट कर सकते हैं ये चीज़। एंड ये कुछ भी यार क्रैक फाइल वगैरह नहीं है, कोई भी वायरस नहीं है। अगर आप सोचे कि क्रैक फाइल है या रिनोल्ड का ओरिजिनल नहीं है, इवन सर्विस सेंटर वाले अपडेट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हो सकता सर, बट हम करेंगे इसे अपडेट। एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई वीडियो बना रहा है, तो यस ये शायद वही चीज़ है। 0515 हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया। अब मुझे बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओपन करना है अपनी टच स्क्रीन को। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है फाइल करप्शन डिटेक्टेड नेविगेशन स्टॉप्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो मैप थे ना, इसमें जो मैप आते हैं ऑफलाइन मैप आते हैं क्विड में, तो ऑफलाइन मैप वो डिलीट हो चुके हैं। तो उसके लिए भी आगे का प्रोसीजर है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मैप भी मैं चलाऊंगा, नेविगेशन भी मैं चलाऊंगा। अभी के लिए आपकी टच स्क्रीन हो गया बिल्कुल ब्रांड न्यू, जो लेटेस्ट क्विड में आ रही है। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। अभी मैं सेटिंग दिखाऊंगा आपको, यू कैन सी कि कितनी प्यारी, एक अलग ही फील आ गई यार 5 साल बाद अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा चेंज देखना। अच्छा लगता है यार, काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब सारा कुछ रीसेट होके जैसे ब्रांड न्यू कार आपने ली हो वैसा कुछ हो गया। ऑटो, डे नाइट, बैकग्राउंड डार्क, लाइट बैकग्राउंड भी आप कर सकते हैं। सी यार कितना प्यारा लग रहा है, मतलब सब कुछ बढ़िया हो गया यार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कहते हैं ना iOS अपडेट हो गया तो वो चीज़। एंड वैसे ही अगर मैं आपको सिस्टम दिखा दूँ, तो यू कैन सी हियर कि अब जो सिस्टम है वो 7.0.5 है। एंड आगे भी अगर कोई अपडेट होगा तो मैं उसे भी अपडेट करके दिखाऊंगा, अभी थोड़े टाइम तो मैं इसे यूज़ करूँगा। एंड आप देख रहे हैं टच भी यार मुझे लग रहा है पता नहीं कैसे कि बैटरी हो गई है थोड़ी सी, काफ़ी ईजिली चल रही है। आप देख रहे हैं एक ही चीज़, अगर मैं कुछ भी टच कर रहा हूँ कितनी तेज़ खुल रहा है सारा कुछ, बिल्कुल प्यार से टच कर रहा हूँ। एंड अभी आपने शुरू में वीडियो में देखा कि टच कैसी थी, अब कैसी होगी, आप इसे देखिए पूरा, ये पूरा सिस्टम आपका बढ़िया वाला हो गया यहाँ पे। तो अभी जब मैप खोलूंगा ना मैं, तो यहाँ पे अग्री आता था, ये अग्री टच ही नहीं होगा, ये टच ही नहीं होगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि मैप डिलीट हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं दोबारा लैपटॉप के ऊपर। एंड आपको इस ड्राइव की अब दोबारा से ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस ड्राइव के अंदर से अब हम जो फाइल थी उसे डिलीट करेंगे एंड दूसरी फाइल को डाल के हम अपना काम पूरा करते हैं। तो आइए चलते हैं गाइस। सो गाइस वी आर बैक टू अवर लैपटॉप एंड यहाँ पे जो आपके सामने खुल रहा है नेव 4.0.6 जिप, मतलब ये जो फाइल है इसे हम लोगों ने अब क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड का बटन प्रॉपर आ रहा है, एक बार टच करेंगे इसे एंड इसे क्रॉस कर दीजिए, ऐड वगैरह खुला है, नीचे आपका डाउनलोड हो रहा है एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ से डाउनलोड हो रही है फाइल पूरी की पूरी। एंड जी हाँ दोस्तों, नीचे आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, सारे का सारा मैं लिंक प्रॉपर दूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे लिंक यहाँ पे होगा प्रॉपर, आप भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको कोई इशू इसमें नहीं आने वाला। अभी ये नैप खुल गया, मैं इसे क्या करूँगा अब सारा आपके सामने ही मैं करूँगा शो इन फोल्डर, इसे राइट क्लिक करेंगे अब हम, कैन यू जूम इन प्लीज यहाँ पे। तो ये फ्री आर्क आप देख रहे हैं, फ्री आर्क के अंदर आपके पास जिप होगा, जिप 7 होगा, काफ़ी तरह के फाइल्स आते हैं जो ऐसी चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, कंप्रेस्ड है तो हम इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक फोल्डर नया बन जाएगा ये वाला, इससे थोड़ा इजी होगा। एक्सट्रैक्ट टू, जिस नाम की फाइल होती है उसी नाम का फोल्डर बन जाता है। एंड देखिए नया फोल्डर अभी अभी एडअप हुआ, ये वही पेन ड्राइव है जो अभी मैं लिखा है, मैंने फॉर्मेट कर दिया फिर से, मतलब सब कुछ डिलीट कर दिया इसमें से। मैं इसे खोलूंगा सेम वही upgrade.lgu
यानी कि लिनक्स ओएस की हमारे पास फाइल आ गई है। मैंने सीधा दबाना है सेंड टू, सेंड टू पे जाके यूएसबी ड्राइव है आपके कंप्यूटर में जो भी है, आपके लैपटॉप में जो भी नाम आएगा वहाँ पे भेज सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ सेंड हो गई आपकी इसके अंदर। एंड अगर मैं आपको स्टोरेज दिखाऊँ तो पूरी पेन ड्राइव खाली है, सिर्फ यहाँ पे वही चीज़ वो जो फाइल हमें रिक्वायर्ड है वो फाइल मैंने डाल दी। अब बेसिकली मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ से मैं पेन ड्राइव निकालूंगा। तो आइए चलते हैं हमारी गाड़ी में वापस एंड डालते हैं मैप को वापस से गाड़ी के अंदर। पहले हमको की डालनी है, गाड़ी को स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे एंड बीच में अगर आपकी बैटरी वगैरह कार की डेड हो जाती है कुछ भी, तो पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, मुश्किल होगी फिर। सो एज यू कैन सी रेडियो चला। अरे सच, मैं आपको रेडियो भी दिखा देता हूँ, देख रहे हैं आप कैसा हो गया। बिल्कुल लेटेस्ट आपने ये ट्राइबर में क्विड में देखा होगा, नई वाली जो 8 इंच की टच स्क्रीन आ रही है उसके अंदर कुछ कुछ ऐसा ही आता है रेडियो। मतलब चेंज हुआ है यार, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड फ़ोन के अंदर जब फ़ोन कनेक्ट करूँगा मैं वो भी दिखाता हूँ कि कैसा शो हो रहा है देखने में। तो अभी मैं पेन ड्राइव डालूंगा अंदर, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये आ गया। तो अब थोड़ी देर वेट करेंगे, डू नॉट डिस्कनेक्ट द यूएसबी और टर्न ऑफ द इंजन। छोटी फाइल है, जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले वाली फाइल ने भी 5 मिनट ही लिए मुश्किल से, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा उससे भी। अब आप देख रहे हैं अपने आप ही ये बंद होगी, दिन ओल्ड का लोगो आया फिर से, रीबूट हो रही है स्क्रीन पूरी। तो गाइस 30 या 40 सेकंड टोटल लगे इस चीज़ को, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मे बी 1 मिनट आप लेके चली थी, 1 मिनट ही लगा सिर्फ। एंड अब मैं मैप खोलने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं अग्री का बटन कैसे आ रहा है। अगर ये द्वारा है ना दोस्तों, द्वारा अपडेट आपको नहीं करना है, पेन ड्राइव पागल हो जाती है कई बार। मतलब अगर ये द्वारा है तो द्वारा आपको नहीं करना है, आप पेन ड्राइव को बाहर निकाल लीजिए। ओके, अग्री का बटन दबाइए। शुरू में पहली बार है तो थोड़ा लैग होगा, धीरे धीरे जूम इन हो जाएगा। एंड द्वारा जैसे आपका गूगल मैप पहले चलता था एज इट इज़ ही चलेगा। तो दिस इज़ अवर गूगल मैप नहीं बोलूँगा यार, जो भी ये मैप मतलब है इसका अपना, ये इंडिया मैप इसमें डले हुए थे तो वही अपडेट हुए हैं। अब नेविगेशन भी आपका प्रॉपर चलेगा, यहाँ पे सारा कुछ आपका आ गया, मैप अपडेट भी है आपका। मैं देखता हूँ अगर मैप भी अपडेट होता है ना, जैसे कुछ नए पुल बन जाते हैं, नए हाईवेज बन जाते हैं, नए फ्लाईओवर बन गए हैं 5 साल में काफ़ी, तो मैं मैप का भी अपडेट ढूंढूंगा। आज की वीडियो यहीं तक थी, मैंने सब कुछ चला के दिखा दिया। एंड अभी मैं फ़ोन भी कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा व्यू आ रहा है गाड़ी में। तो गाइस वॉल्यूम को करता हूँ डाउन, डिवाइस आपका कनेक्ट हो चुका है अभी भी, ये फ़ोन है ऐसे सिंपली। अब जो नेम भी है ना गाइस वो चेंज हो चुका है, एंड यहाँ पे लिखा आ गया है मीडिया नेव एवोल्यूशन। तो यू कैन सी हियर कि पूरी बैटरी शो हो रही है, यहाँ पे फ़ोन के सिग्नल शो हो रहे हैं। अगर मैं फ़ोन दबा रहा हूँ तो देख रहे हैं कितना बढ़िया डायल पैड आ रहा है, पहले क्या आता था एंड अब क्या आ रहा है। टच भी यार काफ़ी चेंज हो गया पहले से, कॉलिंग लिस्ट आ गई है पूरी की किसे कॉल करा कैसे करा काफ़ी जल्दी, पहले बहुत लैग था इसमें। यहाँ पे सारे के सारे आपके वो आ गए हैं कॉन्टेक्ट वगैरह, एंड अब आप सर्च भी कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो अभी हम मीडिया पे जाएंगे एंड मीडिया में कुछ इस तरह से आपको व्यू दिखेगा। लिस्ट पे माय म्यूजिक, प्लेलिस्ट, रेडियो, ये सारा कुछ ऐड हो जाएगा, सारे सॉन्ग फोन के जितने भी हैं लिस्ट आपकी बनी आ जाएगी यहीं से। तो अब आपको बार बार अपने मोबाइल से गाना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा यहीं पे आपका ऐड अप हो गया है। एंड कुछ ऐसे ही है यार रेनो क्विड अंदर से। अब सो गाइस मुझे एक और चीज़ आपको दिखानी थी, यहाँ पे ये USB केबल है फॉर आईफोन। एंड एज यू गाइस नो कि अगर हम USB केबल कनेक्ट करते हैं आईफोन के अंदर तो आईपॉड की कनेक्टिविटी कुछ कार्स में अवेलेबल होती है। तो जैसे मैंने इस कार को अपडेट करा, मतलब इसके टच स्क्रीन को अपडेट करा, इसमें आईपॉड की कनेक्टिविटी भी आ गई। एंड वो इतनी अच्छी है ना कि नियर टू एप्पल कारप्ले, मतलब एप्पल कारप्ले नहीं बोल सकते उसे हम, बट हाँ एप्पल कारप्ले जैसा फील आपको ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम, ओके कनेक्ट कर।
ओके तो यहाँ कनेक्ट हो गई है एंड यहाँ पे लिखा आ गया रीडिंग आईपॉड डिवाइस। अगर मैं लिस्ट पे भी जाता हूँ ना तो प्रॉपर जो आईफोन एप्पल म्यूजिक में पूरा प्लेलिस्ट या सॉन्ग्स वगैरह होंगे ना वो सब आ गए हैं। एंड कोई भी गाना अगर मैं चला रहा हूँ लाइक एंड प्लेयर पे जा रहा हूँ तो प्रॉपर उसका थंबनेल आ रहा है इतना बढ़िया। एंड यहीं से प्रीमियम फील आ रही है, काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ये वाली जो फील आ रही है ना गाइस। So this was all about for today. Thanks for watching till here. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। अगर आप एक क्विड ओनर हैं एंड चाहते हैं कि आगे भी मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग लेते आऊँ क्विड के रिलेटेड तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।